इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे प्राइमरली कवर करने वाले हैं ऐसे सिस्टम को जिसको आज हैंडओवर किया गया है इंडियन आर्मी को रक्षा मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे हैंडओवर किए गए ज्यादातर जो सिस्टम है वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, कुछ का जो इंडक्शन है वो भी हुआ है, कह सकते हो कि एक फॉर्मल हैंडओवर है रक्षा मंत्री के द्वारा। तो यहाँ पे जो सबसे पहला सिस्टम रहने वाला है जिसके ऊपर जो एक ब्रीफिंग है वो भी दी गई थी रक्षा मंत्री को, यह फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर सिस्टम, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, जहाँ पे सोल्जर को इक्विप किया गया है तीन प्राइमरी सब सिस्टम से। जो पहला सब सिस्टम है वो है एक असॉल्ट राइफल AK-203 के रूप में। पहली बार यहाँ पे जो AK-203 है आपको देखने को मिल रहा है इंडियन वेरियंट में। और यहीं पे AK-203 में जो नाइट होलोग्राफिक एंड रिफ्लेक्स साइट है वो दिया गया है टारगेट को अक्वायर करने के लिए, पॉइंट करने के लिए। वहीं पे हेलमेट पे 360 विजिबिलिटी के लिए नाइट विजन साइट दिया गया है। सोल्जर के पास यहाँ पे जो मल्टी मोड ग्रेनेड है जिसको अभी हाल ही में 10 लाख के नंबर में मैन्युफैक्चर किया जाना था और 6 लाख ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। तो ये जो मल्टी मोड ग्रेनेड है इन सोल्जर्स के पास रहने वाला है, जो मल्टीपर्पज नाइफ है वो भी रहेगा। बात करते हो सेकंड सब सिस्टम की, तो वो है प्रोटेक्शन को लेके, जो कि जवानों को कंप्लीट प्रोटेक्शन देने वाला है नेक से लेके वी एरिया तक। यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है हेड के लिए हेलमेट के रूप में वो भी दिया गया है, जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ रहने वाला है। प्रॉब्ली ये जो सिस्टम है वो SMPP के हैं। और जहाँ पे थर्ड सिस्टम है वो कम्युनिकेशन और सर्वेलेंस इक्विपमेंट को लेके है, जो कि सभी सोल्जर्स के पास रहेगा मैन पैक कॉम के रूप में। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो FINSAS है वो केपेबल है फॉर द अपग्रेडेशन के लिए, जहाँ पे आने वाले टाइम में अगर आपके कुछ नए सिस्टम को यहाँ पे ऐड कर दिया जाए, क्योंकि न्यू और एल्बो गार्ड तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर आप बाद में चाहोगे एक्जोस्केलेटन को ऐड करने को तो बाद में आप कर सकते हो। जो अपग्रेड है रियल टाइम वीडियो फीड को लेके वो भी बाद में किया जा सकता है। तो यहाँ पे पॉइंट था कि इसको फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर किट क्यों बुला रहे हैं। तो बेसिकली जो इस तरह का प्लान था कि आपके सोल्जर्स को ये सारी चीजें मिले, वो आपका प्लान काफी पुराना है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो FINSAS में आ जाएगा, लेकिन अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो जहाँ पे जो रेडियो कॉम है और इस तरह के जो पावर पैक है वो एक बेसिक नीड हो चुकी है सोल्जर्स की। तो अभी के टाइम में आप कहोगे कि एक रेगुलर रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे भारत के सभी सोल्जर्स को ये चीज मिलती है तो वो एक क्रूशियल चीज है, जहाँ पे ज्यादा जो आपके सोल्जर्स हैं वो कम से कम ये जो बेसिक चीजें हैं वो कैरी कर पाएंगे। बात करते हैं अगले सिस्टम की, जो कि हैंडओवर किया गया है वह एंटी पर्सनल माइन। निपुण के नाम से आप इसे जानते होंगे, DRDO ने डेवलप किया है इसको, जो कि रिप्लेस करेगा इंडियन आर्मी में इस्तेमाल होने वाले NMM-14 को। सो ARDA पुणे ने इसे डेवलप किया है और ये आपके बॉर्डर्स पे जो ट्रूप के लिए प्रोटेक्शन है वो बढ़ाने जा रहे हैं। अभी करंट फॉर्म में जो निपुण है वो ज्यादा पोटेंट है और इफेक्टिव है ऑलरेडी इस्तेमाल होने वाले इस तरह के वेरियंट्स में। यहाँ पे जो अगला सिस्टम हैंडओवर किया गया है वो है TSL और DRDO का IPMV, यानी कि इन्फेंट्री प्रोटेक्शन मोबिलिटी व्हीकल। तो एक लार्ज नंबर ऑफ इन्फेंट्री सोल्जर्स को ऑप्टिमम प्रोटेक्शन देने के लिए जो इस तरह का व्हीकल है वो हैंडओवर किया गया है आर्मी को। तो यहाँ पे जो भी आपके जवान पोस्टेड हैं लदन बॉर्डर पे, उनके मोबिलिटी और प्रोटेक्शन को ये बढ़ाने जा रहा है। ऑफिशियली आज इसको हैंडओवर कर दिया गया है रक्षा मंत्री के द्वारा, जो कि ये इंडिकेशन है कि जो बड़ा ऑर्डर है वो भी आपको आते हुए दिखेगा। जो आर्मी में इंडक्शन है वो अप्रैल में ही कर लिया गया था, और इसको जो सपोर्ट है वो TSL देने वाली है 24/7। जो यहाँ पे TSL का क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है मीडियम कैटेगरी का QRFV, उसको भी ऑफिशियली आज हैंडओवर किया गया है। हालांकि जो पहला लॉट है वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं आर्मी को। तो बेसिकली ये फैसिलिटेट करेगा ट्रूप के फास्टर डिप्लॉयमेंट में, और ये एक टेलर मेड व्हीकल है जिसको आर्मी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया है, हाई मोबिलिटी के लिए और इनहेंस फायर पावर प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो मोबिलिटी है प्रोटेक्शन है उसको प्रायोरिटी देते हुए इन दोनों व्हीकल का हैंडओवर किया गया है और ऑर्डर दिए गए हैं आर्मी के द्वारा। जो अगला सिस्टम है ये भी एक की सिस्टम है, लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट, यानी कि LCA। तो इसका जो डिप्लॉयमेंट है वो पैंगोंग लेक में पहले ही हो चुका था, आज इसको ऑफिशियली जो हैंडओवर है वो कर दिया गया है। एक बार में 35 के नंबर में जो ट्रूप है उनको ये कैरी कर सकता है, और इसको जो कोर ऑफ इंजीनियर्स आर्मी का वो मेंटेन कर रहा है। सो ये एक वर्सेटाइल क्राफ्ट है जो कि यूजुअल बोट के लॉन्च स्पीड और कैपेसिटी के लिमिटेशन को एलिमिनेट करता है। तो ईस्टर्न लद्दाख में अक्रॉस द वाटर ऑपरेट करने के लिए वो डिप्लॉय किए गए हैं, और इसको भारत में इंडिजिनसली डेवलप किया गया है एक्वेरियस शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, जो कि गोवा में है। यहाँ पर जो अगला सिस्टम है वो हैंडहेल्ड थर्मल इमेजर है, हेल्प करने जा रहा है आपको सर्वेलेंस में डिटेक्शन में अक्रॉस द बॉर्डर। ये एक अनकूल सिस्टम है जो कि आपको डे और नाइट में असिस्ट करेगा हर तरह के वेदर कंडीशन में एनिमी को डिटेक्ट करने में, स्पेशली बनाया गया है लद्दाख के लिए। जो नेक्स्ट सिस्टम है वो T-90 टैंक के कमांडर के लिए थर्मल इमेजिंग साइट है। तो इसका जो इंटीग्रेशन है वो कई सारे टैंक में ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे आज इसको ऑफिशियली हैंडओवर कर दिया गया है, और ये आपको हेल्प करने जा रहा है इमेज को इंटेंसिफाई करने में, जो कि कहीं जो कमांडर की रीच है और विजिबिलिटी है उन दोनों को बढ़ाएगा। जो नेक्स्ट सिस्टम है वो डाउनलिंक इक्विपमेंट है रिकॉर्डिंग फैसिलिटी के साथ। तो ये आपके हेलीकॉप्टर्स को हेल्प करने जा रहा है कांस्टेंट टच में रहने के लिए रिकॉन्सेंस और सर्वेलेंस मिशन के टाइम पे, मतलब इस तरह के जो मिशन बॉर्डर अराउंड कैरी किए जा रहे हैं, तो वहां से आए जो डेटा होंगे उनको आप रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो आपका बेस है वहां पे एक्सेस किया जा सकता है। तो इसके लिए जो लिंक है वो भी हैंडओवर किया गया फॉर्मली।
यहाँ पे जो सेमी रगराइज्ड ऑटोमेटिक एक्सचेंज सिस्टम है मार्क टू वो भी हैंड ओवर किया गया है। यहाँ पे बेसिकली आपके कम्युनिकेशन और डेटा शेयरिंग को इन्हांस करने जा रहा है और ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपके लेटेस्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जो कि पहले वाला जो आपका कम्युनिकेशन मेथड था वो नहीं कर पा रहा था, उसकी अपनी लिमिटेशन थी। तो मार्क वन में जो भी इनएडिक्वेसी थी उन सबको एलिमिनेट कर रहा है। जो अगला सिस्टम है वो रेडियो रिले है फ्रिक्वेंसी हॉपिंग का, उनके बीच में कम्युनिकेशन सिस्टम को इन्हांस करने के लिए ये जो रेडियो रिले है उनसे इक्विप किया गया है और ये फ्रिक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, तो जो डेटा की कैपेसिटी होगी एक बार में ट्रांसफर होने की वो यहाँ पे हायर है। मैन्युफैक्चर इसको किया है BEL ने। तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि जो कम्युनिकेशन पे जोर है वो ज़्यादा दिया जा रहा है, स्पेशली LSE के अराउंड। यहीं पे जो मिनी RPAS है यानी कि रिमोटली पायलटेड एरिया सिस्टम वो भी हैंड ओवर किया गया है, जो कि एक रिप्लेसमेंट आने वाला है जो भी IEF के हेरोन है उनका स्पेशली रिकॉग्निशंस मिशन में। तो जो आइडिया फोर्ज का स्विच UAV है उसको ऑफिशियल यहाँ पे हैंड ओवर किया गया है आर्मी को भी। तो ये कुछ जो सिस्टम है वो ऑफिशियली आज हैंड ओवर हुए हैं रक्षा मंत्री के द्वारा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।